हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित है और आज मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं बीटेक के लिए बाप यूनिवर्सिटी। अगर इस वर्ड की अगर हम फील ले बायोलॉजी से हटके, तो इससे ये समझते कि कोई जो सबसे पुराना हो, जो हमारे बेसिक फैसिलिटीज को पूरा करे, तो उसी क्रम में उसी कड़ी को हम आज बढ़ाते हैं। उसी वर्ड के मीनिंग को और बेहतर समझने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ बीटेक के लिए कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इसकी 4 साल की बीटेक की फीस है मात्र 11,000 रुपये। सुन के तो पहले ही आपको लग रहा होगा कि क्या बात है, क्या कॉलेज है आपकी। मैं इसकी प्लेसमेंट की एक छोटी सी रिकॉर्ड आपको बता देता हूँ। इसकी कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड है 100% प्लेसमेंट है। और जो एवरेज पैकेज है, एवरेज पैकेज जो मिलती है वो है 20 लाख, 20 लाख पर एनम। वो कंप्यूटर साइंस की एवरेज पैकेज है इस यूनिवर्सिटी की। आप सोच सकते हो कितनी टॉप क्लास कॉलेज है। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ, वो यूनिवर्सिटी का नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट के लड़के जो गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली या फिर जो पंजाब हरियाणा तरफ रहते हैं, वो इस कॉलेज के बारे में नहीं जानते, जो कि बहुत बुरी बात है। इस कॉलेज के बारे में जानना चाहिए क्योंकि ये कॉलेज काफी बढ़िया कॉलेज है यार। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसकी जो एडमिशन होती है वो नॉर्मली होती नहीं है जेई मेंस के थ्रू। इसकी एडमिशन WBJEE की तरफ से होती है, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये एक स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है। इसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाती, ना ही ये कोई IITs, NIT या कोई बहुत बड़ी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। एक सिंपल सी स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी। लेकिन इसके रैंकिंग आप सुनोगे ना तो अब बहुत चक्के रह जाओगे। और मैं इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लड़के 10th, जो अभी 11th 12th में हैं, जिन्हें बीटेक आगे करना है, जिन्हें इंजीनियरिंग करना, तो उसे उन्हें इस कॉलेज के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। चाहे हो सकते हैं वो इस लेक्चर को सुन रहे हो या फिर उनके कोई रिलेटिव सुन रहे हो या फिर उनके कोई और स्टूडेंट, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप अपने घर के करीबन 10 से 12 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करते हो बीटेक के लिए, कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस या कोई और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। क्यों ना इस कॉलेज के लिए एक बार ट्राई कर लिया जाए एडमिशन के लिए, क्योंकि इसमें तो काफ़ी बढ़िया स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल होते हैं। इसमें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कॉलेज, आप देखना इसमें बस आपको मज़ा आ जाएगा इसमें सुनने के। अगर आपको 2 मिनट में अच्छा नहीं लगे ना इस कॉलेज के बारे में सुनने में, तो आप छोड़ देना, इस कॉलेज रिव्यू को मत देखना। और इम्पॉर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी तक 2 कॉलेजेस के रिव्यू अभी तक निकाले हैं, BITC इंदिरा, एक HIT कोलकाता। आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और ये थर्ड है, इसके आगे और भी बहुत सारे कॉलेजेस रिव्यू आने बाकी है, ढेर सारे कॉलेजेस के। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो, क्योंकि आगे बहुत सारे कॉलेजेस के रिव्यू आने बाकी है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आने वाले हैं इंटर्नशिप्स को लेके। तो चलिए आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में पूरे अच्छे से बात करते हैं कि क्या है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है, तो कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में है ये। और आपको मैं बता देता हूँ इसकी रैंकिंग, इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग आपको मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड पूरी वर्ल्ड में जो इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो है 650 to 700 के बीच में आती है। काफ़ी बढ़िया रैंकिंग है यार। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की अगर यूनिवर्सिटी है तो ये कोई IITs है भी नहीं, ना ही कोई बहुत बड़ी प्राइवेट कॉलेज है बिट्स पिलानी जैसी। ये सिंपल सी एक स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज, आप सोच सकते हो 650 to 700 की। अगर इसकी वर्ल्ड रैंकिंग और ब्रिक्स रैंकिंग अगर आप रैंकिंग देख ले 2019 की, तो 75 है। ये एशिया के रैंकिंग करीबन में आती है। आप सोच सकते हो कितनी बढ़िया कॉलेज है। और NIRF तो आप देख सकते हो 2018 में 12 थी, 17 में 9 पे थी, 18 में 12 चली गई, 19 में 14 और अभी 12 या 11 पे ऐसे ही कुछ में है। इसके आप देख रहे हो रैंकिंग ऊपर जा रही है क्योंकि थोड़ी सी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहती है, कभी कभार दंगे हो जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है गाइस। परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चली जा रही है। परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है इस कॉलेज की। हर दिन प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक बार किसी ब्रांच में कम होती है, थोड़ी सी लेस रह जाती है, तो अगले साल उसे कोप अप करके बहुत आगे तक ले जाया जाता है। पर काफ़ी बढ़िया कॉलेज है। अब इसके 2 कैंपसेज हैं, मेन कैंपस इसके 58 एकर्स की जो है ये आप देख सकते हो SC मलिक रोड में है, और दूसरी कैंपस जो 26 एकर्स की है वो सॉल्ट लेक में है। 2 कैंपसेज हैं। पहले मेन कैंपस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और सेकंड कैंपस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। मेन कैंपस में 9 इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है, आर्किटेक्चर, फार्मा, आर्ट, साइंस डिपार्टमेंट है। ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे ओपन एयर थिएटर भी है, ऑडिटोरियम भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी यहीं पे है, और रिसर्च वर्क जितनी भी ज़्यादा होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेन कैंपस में ही होते हैं। हॉस्टल अवेलेबिलिटी अच्छी है लेकिन हर स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती है यहाँ पे हॉस्टल रूम।
और आपको यहाँ पे रूम अगर मिलेंगे हॉस्टल को तो आपको शेयर करना पड़ेगा, दो लड़के या तीन लड़के रहेंगे, आपको अकेले रहने का यहाँ पे सिंगल रूम्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन वही अगर सेकंड कैंपस में जाओगे तो यहाँ पे आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग के बारे में स्टूडेंट्स थोड़े कम रहते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा ब्रांचेज यहाँ पे हैं नहीं तो थोड़ी कम मात्रा में स्टूडेंट रह सकते हैं, और आप अच्छे से घुल मिल के रह सकते हो, ज़्यादा हॉस्टल रूम से नहीं है। यहाँ क्रिकेट ग्राउंड एक है जहाँ अपने क्रिकेटर कुछ जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करने आते रहते हैं, इनके क्रिकेट ग्राउंड में काफ़ी, अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आपको मिलने का मौका जरूर मिल जाएगा उन क्रिकेटर्स से। और सिंगल रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं इस सेकेंड कैंपस में, आपकी प्राइवेसी भी इसमें मिल जाएगी, आप यहाँ पे छोटे छोटे सिंगल रूम ले सकते हो इस सेकेंड कैंपस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मेन कैंपस अलग है, सेकेंड कैंपस अलग है, दोनों कैंपस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी प्लेसमेंट, लेकिन बिल्कुल नहीं, दोनों ज़्यादा दूरी नहीं है, मेन कैंपस है, सेकेंड कैंपस 10 मिनट का रास्ता है, और कोई ज़्यादा कोई डिस्टिंक्शन किया नहीं जाता है, अगर आप इस कैंपस से हो उस कैंपस से कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों कैंपस बहुत अच्छे हैं, दोनों कैंपस उसी लेवल की प्लेसमेंट्स की जाती है, उसी लेवल का सारा काम ध्यान दिया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं। और एडमिशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि WBJEE की तरफ से होता है, तो जो स्टूडेंट्स इस सब में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड तो मुझे लगता है सबको ही कोई इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए इस कॉलेज के बारे में, यार अभी तक तो क्यों नहीं कोई इसके बारे में जान रहा है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेनी चाहिए आपको। रजिस्ट्रेशन जो इसकी है अक्टूबर में स्टार्ट होती है, नवंबर में एंड हो जाती है, करीबन 20 से 25 दिन का इसका रजिस्ट्रेशन चलता है, और इसके एग्ज़ाम जो है फरवरी या जनवरी में हो जाते हैं गाइस। तो अगर जिन्हें इस कॉलेज के बारे में जानना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उन्हें अक्टूबर में सतर्क हो जाना होगा गाइस, नहीं तो फिर ये हाथ से निकल जाएगी ये कॉलेज। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन तो जो 2019 में स्टार्ट हुई थी 18 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी और क्लोज हो गई थी 13 नवंबर को, और एडमिशन तो मैंने आपको बता दिया कि WBJEE के एग्जाम के थ्रू ही होगी, जेईई मेंस के थ्रू होती नहीं है, तो WBJEE के थ्रू होती है, तो WBJEE की काउंसलिंग ही होती है उनके तरफ से, और आपको प्रेफरेंस चुनना होगा आपके जैसे रैंकिंग आता है। और जिन्हें आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है, 5 ईयर्स आर्किटेक्चर कोर्स कोर्स भी वहाँ पे है, तो जिन्हें इंटरेस्ट है उन्हें नाटा का एग्जाम देना होगा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, तभी उन्हें ये एडमिशन मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि 10+2 पास होना इंपॉर्टेंट है, विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, जो मार्क्स जो चाहिए होते हैं 60% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 45% कोटा वालों के लिए यहाँ पे है, ठीक है, कैंडिडेट्स जो 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स लाएंगे, 45% यहाँ भी कोटा वालों के लिए, तो बस बेसिक से एलिजिबिलिटी है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, 30% मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। रिजर्वेशन यहाँ पे जनरल ओबीसी है, ओबीसी भी, SC ST PW डिफेंस कोटा माइनॉरिटी कोटा के लिए अवेलेबल है। और जो बात करते हैं सबसे पहले फीस के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया जो इंजीनियरिंग कोर्सेज की जो फीस है अदर देन आईटी, आईटी के सिर्फ छोड़ के वो है 5710 रुपीज़ फीस फॉर 2 ईयर्स। आप सोच सकते हो और 2 साल में फिर इतनी फीस लगेगी, मतलब 11,000 के अंदर आपके दोनों 4 साल के बीटेक कंप्लीट हो रही है, 11,000 मात्र, जहां आपकी प्राइवेट कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉलेजेस जहां आपको लाखों, 2 लाख, 3 लाख चार्ज करते हैं, वो यहां पे 11,000 में 4 साल की देरी, और ऊपर से बेस्ट कॉलेज है वो, बेस्ट कॉलेज, मतलब मुझे नहीं लगता पूरी इंडिया में इससे बढ़िया कोई कॉलेज होगी जो बीटेक आपको इतने कम दाम में करा दे, और इतनी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ, और इतने अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के साथ, मुझे नहीं लगता कोई इंडिया में और कोई ऐसी बीटेक कॉलेज होगी। आईटी की बात कर लेते हैं, आईटी की फीस यहाँ पे 30,860 है फॉर 1 ईयर, इसलिए क्योंकि ये आईटी अभी हाल हाल में यहाँ पे आई है, इसके ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल नहीं किए गए, ऐसा कोई नहीं है कि बस इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, इस आईटी के लिए अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फंड अभी आ नहीं रहे हैं, इसलिए इसकी फीस थोड़ी सी हाई रखी गई है, फिर भी ये कम है, अगर आप और प्राइवेट कॉलेजेस को देखोगे जहाँ पे 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं वो सेमेस्टर फीस के लिए, और यहाँ पे 30,860 रुपये ले रहा है 1 साल के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी है, बस ये आईटी के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कंप्यूटर के लिए भी क्या यही है, नहीं सिर्फ ये आईटी की फीस है, कंप्यूटर के लिए भी 11,000 रुपये ही लगेंगे CSE के लिए। हॉस्टल फीस के लिए आप ये नॉर्मल चार्जेस देख सकते हैं, हॉस्टल एडमिशन चार्ज 3,000 है, हॉस्टल सीट रेंट पर साल आपको मात्र 180 रुपया देना होगा, बाप रे कितना सस्ता है आप सोच सकते हो, और कितनी बढ़िया कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर ईयर 120 है, मतलब काफ़ी बढ़िया है ये कॉलेज आप देख सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ये इनका होते रहता है, मोमो यामा काकुन यूनिवर्सिटी जो जापान में है, 2 स्टूडेंट्स को यहाँ पे चुना जाता है, 1 साल का प्रोग्राम है, 100 स्टूडेंट्स का नॉमिनेशन होता है 20 अलग अलग देशों से, तो 2 स्टूडेंट्स इस कॉलेज से भी जाते हैं सिर्फ 2, और सेमेस्टर फीस आपको खुद ही बियर करनी होगी, ये इसमें कॉलेज कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, इसकी जो अप्रोक्सीमेशन फी है सेमेस्टर की वो 25,300 रुपए है, और एकोमोडेशन फी 3,04,138 है,
और एलिजिबिली और जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 50,600 के लिए, आपको ये चीज़ें खुद ही बेयर करने पड़ेंगी आपको। जब बात किया है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं आगे सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ इसकी जाती है। मैं आपको यहाँ राउंड फोर की कट ऑफ दिखा देता हूँ जो जेंडर की गई है, ये सब ब्रांचेस के मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीएससी का जो कट ऑफ गया राउंड फोर में गाइज 5 गया 5 से स्टार्ट हुई थी, ओपन हुई थी 5 पे और क्लोज हो गई 166 पे। ये जो थी इनकी जो है यहाँ पे राउंड फोर की कट ऑफ गई है, जो जो राउंड फोर की कट ऑफ गई है। और ऐसे करके आप बहुत सारे और भी ब्रांचेस का कट ऑफ देख सकते हो, मैं आपको बता के बोर नहीं करूंगा। मैं स्लाइड करके नीचे करते जाता हूँ, आप पॉज करके देख लेना कि कौन से ब्रांचेस की क्या कट ऑफ गई है। इसी तरह करके एससी एसटी ओबीसी का भी मैंने कट ऑफ सेट करके रखा है, लिस्ट बना दिया, आप पॉज करके देख लेना इस वीडियो को। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ सब कॉलेज के, मैं आपको बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। ये ओबीसी की कट ऑफ है, नॉन क्रीमी लेयर की कट ऑफ है यहाँ पे। उसके बाद आपको दिखा देता हूँ मैं एससी की कट ऑफ, ये जो है बताने लग जाऊंगा तो पक्का बोर हो जाओगे कि क्या क्या है। ये सिर्फ आपके जानने के लिए ज़रूरी है, मैंने इसलिए इतना मेहनत किया इसके पीछे। आप देख सकते हो एसटी की ये कट ऑफ है ब्रांचेस की। उसके आगे बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, सबसे बड़ी प्लेसमेंट। सबसे पहले प्लेसमेंट्स की बात अगर हम समझ लेते, अगर कोई ब्रांच में कोई क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में सिर्फ 80 बच्चों ने, सिर्फ 80 बच्चों ने अगर प्लेसमेंट को अटेंड किया, हो सकता है 20 बच्चे किन्हीं को यूपीएससी की तैयारी करनी हो, किन्हीं को आईएएस की तैयारी करनी हो, ईएससी की तैयारी करनी हो, बहुत सारे को मैनेजमेंट आगे मास्टर्स करना हो, किसी को मैनेजमेंट का शौक हो, किन्हीं को बिजनेस संभालना हो, तो हो सकते हैं 80 बच्चे सिर्फ 100 में अटेंड किए और 20 बच्चों ने अटेंड नहीं किया। तो वही 80 बच्चों में परसेंटेज ये निकाली जाती है, ये परसेंटेज जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ 80 बच्चों में निकाली जा रही है। 100 में से 20 बच्चे जो अटेंड ही नहीं किए तो उनकी क्या हम परसेंटेज निकालेंगे। तो 100 में जो 80 अटेंड किए वो 80 में कितनों का प्लेसमेंट हुआ वो ये परसेंटेज दिखाएगी। तो केमिकल की है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये है, सिविल की भी ये है, कंप्यूटर साइंस की मैंने आपको जैसा कि बताया 100% ट्रैक रिकॉर्ड इनका प्लेसमेंट का, आप देख सकते हो। और भी ब्रांचेस की आप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लो मैकेनिकल की 86 पॉइंट, मतलब करीबन 87% यहाँ पे है, मतलब काफ़ी अच्छी है। यहाँ इलेक्ट्रिकल की 94% गई है, ईसी डिपार्टमेंट की 92% गई है प्लेसमेंट रिकॉर्ड इस कॉलेज की है। और हाईएस्ट पैकेज मैं आपको ब्रांच वाइज दिखा दे रहा हूँ, केमिकल की जो हाईएस्ट पैकेज गई है 17.20, सिविल की 6 की गई है, सीएससी की 42 लाख्स की गई है पर एनम की, कंप्यूटर साइंस की ये जो गई है, और ईसी की गई है 39 लाख्स की। ये दोनों में इतना गैप है, कोई बात नहीं चलता है इतना। मैं आपको देखो ये, अब देख लो ये यहाँ पे दिया हुआ है 39 लाख्स का गया है, आईटी का यहाँ पे गया है हाईएस्ट पैकेज, मतलब काफ़ी बढ़िया है ये, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छी कॉलेज आप देख सकते हो इसकी। सीएससी के 42 लाख्स की अगर है तो काफ़ी बड़ी बात है। मैकेनिकल की भी 18.30, सोच सकते हो मैकेनिकल की भी 20 लाख्स के करीबन चली गई है हाईएस्ट पैकेज। अब बात करते हैं हम एवरेज पैकेज जो इस कॉलेज का है, केमिकल का इतना है, मतलब सीएससी की जो एवरेज पैकेज है वो 20 लाख के करीबन, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये कंप्यूटर साइंस का जो है एवरेज पैकेज ये है। और ईसी का जो है आप यहाँ देख सकते हो ईसी की क्या है एवरेज पैकेज, 9 लाख्स के करीबन है, काफ़ी खराब है, ज़्यादा उतना बढ़िया है नहीं। लेकिन आईटी के और सीएससी की उतना गैप होनी नहीं चाहिए, पता नहीं इस कॉलेज की क्यों है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 13 लाख के करीबन, 12.5 लाख के करीबन एवरेज पैकेज, लेकिन काफ़ी अच्छी पैकेज इनकी एवरेज पैकेज, मैसेज करके आप देख सकते हो और भी ब्रांचेस के एवरेज पैकेज है। तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया कि क्या है ये। चलिए तो थोड़ा आंटियों की तरह बैठ के कंपेयर कर लेते हैं इसे दूसरे कॉलेजेस की तरह, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या इन कॉलेजेस की कट ऑफ है, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं और क्या होनी चाहिए कॉलेज रिव्यू में। आप भी समझ सकते हो कि इससे ज़्यादा क्या आपको कॉलेज रिव्यू में मिलेंगे, सारे चीज़ें को मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं और भी दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करते हैं, अगर इसे, ये कोई आईआईटी कॉलेज है भी नहीं, ना कोई एनआईटी कॉलेज है जिसके बारे में आप इतना हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लो है, मैंने भी देखा है यार, कोई बहुत सारे वीडियोज मैंने देखा है इनके हॉस्टल्स के, इनके कॉलेज के थोड़े से डल है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी पुराना है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लो रह जाता है इनका, एनआईटीज आईआईटीज और बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के मुकाबले, बिट्स पिलानी और बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले। काफ़ी यार अगर आप देखोगे, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा साइड कर दो, 4 साल यूँ निकल जाएंगे दोस्तों के साथ हॉस्टल में रह के, थोड़ा सा हॉस्टल फैसिलिटी थोड़ा सी खराब बोला जा सकता है, बिलो एवरेज है, लेकिन काफ़ी बढ़िया। आप इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख लो, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस को ये पीछे छोड़ देते हैं, इनकी फीस देख लो, ये बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस को यूँ पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि थोड़ी सी आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ चीज़ों से, अगर आप ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर दोगे तो ये कॉलेज सबसे बेस्ट मेरे को लगती है।
अगर ये बीटेक के मामले में अगर आप इसे बात करोगे तो ये कोई, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस इनके आते रहते हैं, और बात करते हैं टेक फेस्ट और बहुत सारे जो कल्चरल फेस्ट होते रहते हैं, वो उस लेवल के नहीं होते जो बड़े बड़े कॉलेजेस में होते हैं, ये ताम झाम वो दिखाना, ये थोड़ा सा होते हैं, ऐसा बात नहीं, होते हैं रेगुलरली, यहाँ भी होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उतने बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, नॉर्मली आप इंजॉय कर सकते हो, और दोस्तों के साथ जहाँ भी रहोगे 4 साल यूँ निकल जाएगा, और इससे बढ़िया कॉलेज मेरे को नहीं लगा। तो ये थी आज की वीडियो में, मैंने आपको बताया सारा जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या इनकी कॉलेज के प्लेसमेंट्स हैं, क्या कट ऑफ्स थे इनके राउंड 4 के पिछले साल के, और बहुत सारी चीज़ें और आपने देखा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले गाइस इस वीडियो को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे को मदद ये पहुँचा सकता है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझे पूछना, मैं आपका जरूर मदद करूंगा। चलिए तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सेफ रहें, थैंक यू।